Our Bhagavan Samita Sharma to explain the sixth time what Jesus spoke from the cross. अभी मैं आगे बुलाती हूँ रविका शर्मा को कि वो हमें समझाए जो छठी बार प्रभु ने क्रूस के ऊपर से जो वचन कहे थे जॉन 19:30 और यमुना रचित समाचार 19:30 वचन और मैं निवेदन करती हूँ प्रीति गोडसे को कि वो उसके लिए अनुवाद करे बाबा की रुपये सब शक्ति मार प्यारे परमेश्वर और माइटी फादर इन हेवन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड थैंक यू लगाती थैंक यू फॉर मैन धन्यवाद देते हैं इसका दिल की गहराई होते हैं लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी वांट टू थैंक यू इस दिन के लिए मेरे प्रभु फॉर दिस ब्यूटीफुल डे लॉर्ड हां प्रभु उत्तम ये शुरुआत यस लॉर्ड गुड फ्राइडे हम धन्यवाद देते हैं पिता ये हमारे जीवन में आया वी थैंक यू लॉर्ड दैट दिस डे हैज कम टू आवर लाइफ धन्यवाद पिता जो आपने हम सबके लिए किया Thank you, Lord, for everything you have done for us. Prabhu, hum aapke maante hain. Lord, we want to ask you this day. Prabhu, wohi kijiye mera aur sister Priti ka aap apne sohre vishesh se hame ilham na karo. That Lord, you anoint sister Kavita and myself with a double portion of your anointing. Tum kaafi jo kuch aapne hamare liye kiya. So that Lord, whatever you have done for us. Hum is mukh se aapki mahima kar sake. We be able to glorify your name to our mouth. Aur Prabhu, hame kijiye. And Lord, may it happen. कि हम इस क्रूस के अर्थ को सलीबी से जान ले पाए लेट मी अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रभु आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड यीशु के नाम के सामने से प्रार्थना है प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से हां आई आस्क दिस इन जीसस नेम आमेन हालेलुया हालेलुया उत्तम शुक्रवार गुड फ्राइडे बाकी लिए हम पद के लिए उत्तम शुक्रवार है चलिए इट इज अ गुड फ्राइडे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस सिर्फ इतने ही प्यार हम सब कैसी हॉल में बैठे हैं Not because we are seated in an empty hall. लेकिन कोई था जिसने हमारे लिए कर्ज की धूप में क्रूस को उठाया But there was someone who in that scorching sun was crucified on the cross. ताकि हम सब आज यहाँ बैठ सके So that we all could sit here. हमने अभी पांच वचन सुने And now we heard five verses. जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोले थे What Lord Jesus Christ had said on the cross. और उनका छठा वचन जो क्रूस पर से बोला गया And the sixth verse that he spoke from the cross. यूहन्ना 19:30 John 19:13 पूरा हुआ इट इज फिनिश्ड ये वाक्य वो कह रहे थे एंड ही वाज स्पीकिंग दिस सेंटेंस जिन्होंने कहा था मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ द वन हू सेड आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा द बिगिनिंग एंड द एंड और आप बड़ी सावधानी रूप से ग्रुप पर से कह रहे थे एंड नाउ ही फॉर ईच वन ऑफ अस ही वाज स्पीकिंग ऑन द क्रॉस ये पूरा हुआ दैट इट इज फिनिश्ड क्या पूरा हुआ व्हाट इज फिनिश्ड क्या उनका शारीरिक That whatever physical trauma he had, जो उनके सहने से बाहर हो गया which he could not bear any longer, उनकी तकलीफ whatever problems he had, उनका दुख whatever sorrows he had, उनकी यातनाएं whatever pain he had, यदि हम संसारी दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे शायद हाँ And if we look from the point of view of the world, then we might say yes. पर अगर हम विश्वास की नजर से देखें But if we see with the eyes of belief, तो हम जानेंगे कि क्रूस सिर्फ उठा नहीं था Then we know that the cross was not only about that. क्रूस का मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था The cross didn't only meant physical agony. पर क्रूस तो वो बात जो उन्होंने कहा नहीं जो किया And cross was not what he bore, but what he did. क्रूस का अर्थ वो था जो उन्होंने हमारे लिए किया And cross meant what he has done for us. यीशु मसीह जब इस धरती पर आए When Lord Jesus Christ came on this earth, वो कब जानते थे He knew everything. वो जानते थे कि उनका क्षण किया जाएगा He knew that he would be tortured. वो जानते थे कि उनको मारा जाएगा He knew he would be beaten up. वो जानते थे कि पापों का ताज उनको पहनाया जाएगा He knew that the crown of thorns would be placed on वो जानते थे कि उन्हें क्रूस उठाना पड़ेगा He knew he would have to carry the cross. और इन सब चीजों के लिए वो तरह से तैयार हो रहा है But he was ready for all this when he came down from heaven. क्योंकि वो जितने मानवीय थे उतने ही ईश्वरीय भी थे बिकॉज द मोर ही वॉज फिजिकल दैट मच मोर ही वॉज गॉडली ट्रू जो परमेश्वर की नजर में भी गौर थे एंड ही वाज इनोसेंट इन द साइट ऑफ गॉड वो कानून की नजर में भी गौर थे एंड इन द साइट ऑफ लॉ ही वाज इनोसेंट फिर भी उनको पकाया गया Then he was tortured. उनको मारा गया He was beaten. उनको क्रूस पर चढ़ाया गया He was made to go on the cross. पर ये सब कुछ व्यर्थ में नहीं हुआ था But this is not all done in vain. इन सब में हमारे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना But there was a mighty plan that the Father had. इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो बाइबल बताती है वो यही है कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना And
And the greatest act which is recorded in history, which the Bible says, is about the crucifixion of Christ. And our Lord did not come on this earth to stay. He came on this earth so that he would show mankind the way to God. When our Lord Jesus came on this earth, and whatever the Lord stated, whatever the Old Testament stated, whatever teachings were there, he fulfilled all of that in his life. And Lord Jesus said in Matthew 5:17, think now that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. And in the law earlier, everything was cleansed by the blood. And without the shedding of blood, there was no remission of sin. And our Father, He is totally pure. He is loving. He is righteous. But with that, He is a righteous judge. That is why He doesn't agree with sin and doesn't at all agree with sin. And we all have sinned. And because of our sin, we were separated from God. And the wages of sin is death. But our loving God, He loved us so much that He did not destroy us because of our sin. But He bore all the burden of our sin. He put it all on His beloved Son. A son who was totally not known sin. And he did not have sin of his own. And never we spoke anything which is wrong. But Father in heaven made him sin for us. So that through him we might be made the righteousness of God. And previously every year they used to offer the sacrifice of goats and of bulls. And this used to be done every year. And when the innocent without blemish Lamb of God came down, from the beginning to the end, whatever sin was there, He took it all upon Himself. Who knew no sin. But all our sins, the Father laid it on His Son. And He was totally innocent. And He was crucified on the cross only for our existence. And that one sacrifice, once and for all, and we are saved because of that. And now, no more sacrifice. But only one sacrifice, once and for all, for everlasting. Past, present, and future. Forever. Everything was bought for us. We all God with a price, unmold lahu ke dwara, with the precious blood of Lord Jesus Christ, kimti lahu ke dwara, precious blood of Lord Jesus Christ, wo pura hua balidan, and that sacrifice was fulfilled. Ab aur koi balidan baki nahi raha. Now no more any more sacrifice. Baar baar balidan chadhana band hua. There's no need to keep sacrificing hereafter. Wo nish kalank memna ek bar hamare liye balidan hua. That lamb which was without blemish that was sacrificed for us. Aur hamesha ke liye hame chutkara diya. And forever we all were delivered. Aur hamesha ke liye hame shuddh kiya. And for all we were cleansed. Aur hamesha ke liye hum pavitra hue. And forever we were made holy. Wo sare hamare dosh the jo prabhu Yeshu And these are all our sins which were laid on Lord Jesus Christ. पर यीशु मसीह ने भाई की घोषित की. But there Lord Jesus Christ declared one thing. वो क्या उन्होंने घोषित किया? What did He declare there?
वहाँ पर उद्धार की जीत हुई थी. There salvation won. और हमारे पापों की क्षमा हुई थी. And we were forgiven for all our sins. हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे उद्धार की जीत हुई? And how can we know that we all became victorious in salvation? और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए? And how do we know that we were forgiven of all our sins? क्योंकि सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से घोषित किया था. Because for everyone on that cross, Lord Jesus Christ had declared, ताकि सब सुन सके और उनके चेहरे लिख सके. So that everyone could hear and his disciples could write it down. कि पूरा हुआ. That it is finished. उनका यह अर्थ नहीं था कि मैं खत्म हुआ या मेरा शरीर खत्म हुआ. He did not mean that I am finished or my body is finished. या मैंने पूरी कोशिश की मैं कर ना सका. That I tried my best but I could not fulfill it. पर ये एक विजयी उद्घोष था. But this was the cry of victory. ये विजयी उद्घोष था. This was the cry of victory. कि हमारे उद्धार की जीत हुई. That we have won, become victorious in salvation. हमारे पापों की क्षमा हुई. That we are forgiven of all our sins. ये प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर घोषित. And this is what Lord Jesus Christ declared on the cross. उन्होंने घोषित किया था कि पूरा हुआ. He declared that it is finished. ये विजयी उद्घोष हमारे लिए था. And this cry of victory was for each one of us. और अपने पिता के लिए उन्होंने आज्ञाकारिता की पुकार लगाई. And then he cried as the cry of obedience towards the Father in heaven. अपने पिता से वो कह रहे थे कि मैंने हर एक वो कार्य पूरा किया जो आपने मुझे दिया था. And he was telling the Father, yes, Father, I fulfilled every work that you had laid upon me. वो अपने पिता से कह रहे थे कि मैंने आपकी इच्छा पूरी की. He was telling the Father, yes, Father, I have fulfilled your will. वो अपने पिता से कह रहे थे कि दुख और कष्ट का कटोरा जो मुझे पीने के लिए दिया था वो मैंने पूरा किया. And he was telling the Father that the cup of sorrow and pain which I had to drink, that I have drunk and I have fulfilled it. वो अपने पिता से कह रहे थे कि हर एक भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी. And he was telling the Father that every prophecy which came out from the mouth of the prophet, उनकी वंशावली, उनके जीवन, उनके मृत्यु, उनका गाड़ा जाना, उनका सताया जाना, हर एक भविष्यवाणी को मैंने पूरा किया. From every generation, from the time he was on the cross, from the time he was in the grave, every pain he bore, everything was fulfilled. वो अपने पिता से आज्ञाकारिता की पुकार लगा रहे थे. And he was having the cry of obedience towards the Father. कह रहे थे कि पिता मैंने हर एक कार्य वफादारी से पूरा किया. And he was telling the Father, yes, Father, every work that you had laid upon me, faithfully I have fulfilled it. जो कुछ भी आपने मुझे दिया था मैंने आपकी इच्छा के अनुसार पूरा किया. Whatever you had put on me, everything according to your will I have fulfilled. हाँ, ये विजय युद्ध का अंत हुआ था. Yes, this was truly a victorious reign that Jesus had. विजय युद्ध का अंत हुआ था. And this was truly a victorious reign Jesus had. पर दर्दनाक मौत के द्वारा. But a very, very painful death. हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस दिन किस बात पर विजय की थी? And how do we know that on what day Jesus began triumphant that day? उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया. That day when Lord Jesus Christ was crucified on the cross of Calvary. उन्होंने उस पर्दे को सदा के लिए फाड़ दिया. He tore that veil which was there in the temple. जो किसी को भी महापवित्र स्थान में जाने के प्रवेश करने से रोकने वाला था. The veil which is to stop all the people from entering into the Holy of Holies. परमेश्वर ने उस मार्ग को खोल दिया जो पवित्र से महापवित्र की ओर जाता है. And the Lord opened that way for each one of us that we could go from the holy to the holy. प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को उठा दिया जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी. And the wall which was there between God and us, Lord Jesus Christ has broken that wall. कलवरी के क्रूस के द्वारा हमारा और परमेश्वर का मिलाप हो गया. And because of his death on the cross, Lord Jesus and we all have become one. हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम हुआ. And we have established a relationship with God. और स्वर्ग का मार्ग खुल गया हर एक विश्वासी आत्मा के लिए. And for every believer, the doors of heaven were open. हमारे लिए थी. दिस वॉज फॉर अस. हमारी जीत हुई थी. एंड वी हैड वन. हमारे उद्धार की जीत हुई थी. आवर सैल्वेशन हैड वन. फिर भी हम सोचते हैं कि किस बात की जीत हुई. एंड स्टिल वी थिंक दैट फॉर व्हाट डिड वी विन. तो प्रभु हमें आगे समझाते हैं. सो लॉर्ड जीसस हैज एक्सप्लेन्ड अस फर्दर. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खत्म हुए तुम्हारे सारे श्राप. Lord Jesus is telling you that all your curses are finished. तुमने पाई मुक्ति. You have received salvation. खत्म हुए सारे पाप. All your sins are destroyed. हमने पाया छुटकारा. And we have been delivered. खत्म हुआ शैतान का हमारे जीवन पर अधिकार. And whatever the devil had authority over our life, that is finished. और हमने पाई शैतान को कुचलने की पावर. And we have got
arrested, your chance of station under our feet. Khat hua sara andhkar. And all the darkness has finished. Humne paayi ishu ki roshni. And we have found the light of Christ. Khat hui sari bimari. And all the diseases have finished. Humne paayi changai. And we have received healing. Khat hui humari jeevan ki garibi. And all our poverty has finished. Humne paayi bharpuri. And we have got everlasting. Khat hua sara dukh. And all our sorrows are finished. Humne paayi khushiyan. And we have got eternal joy. Khatm hui sari samasya. And all our problems are finished. Humne paayi safalta. And we have got prosperity. Kanton ka mukut pehenkar Parmeshwar ne hame mahima ka taaj pehnaya. And Lord Jesus Christ bore the crown of thorns and he made us wear glory. Khatm hua shaitan aur mrityu. Na rahi mrityu ki jay aur na raha mrityu ka dam. And devil and death, they all were defeated. The devil had no power and even death had lost its sting. Aur humne paya anant jeevan. And we have got eternal salvation. प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किए सारी पुरानी व्यवस्था की बातें. And Lord Jesus Christ has totally finished all the things related to the Old Testament. खत्म हुआ बार बार बलिदान चढ़ाना. And it was finished every time sacrifice. एक बलिदान एक ही बार उन परोधा के लिए हम चुराए गए. And one sacrifice once and for all so that we will receive salvation. प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया. Lord Jesus Christ gave us life. वो कलवरी का क्रूस से ऐसा लहू हमें जीवन देता है. And the cross of Calvary from where the blood was oozing out, that has given us salvation. But this jeevan nahi diya. And not only life. Bhalpuri ka jeevan, bahutayat ka jeevan, aur anand jeevan. Everlasting life, a life that is full of prosperity. तो यही प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे थे कि ये विजय घोषणा है. हमारे उद्धार की जीत हुई है, हमारे सारे पाप क्षमा हुए. And that is what God Jesus is telling us, that this is the cry of victory. All our poverty, all our problems have finished and we have become victorious. प्रभु यीशु मसीह पूरी कलीसिया से कह रहे थे कि खत्म हुए तुम्हारे पाप, तुम्हारे श्राप, तुम्हारे अंधकार, तुम्हारी शैतान के जीतों का ताकत. The Lord Jesus is telling this church over here that all your problems, all your difficulties, whatever you were facing in your life, whatever poverty you had, everything, all your problems have all finished. The devil has no more hold on you. You are set free. हाँ भाई और बहनों, हमारे उद्धार की जीत हुई. Yes, brothers and sisters, our salvation has won. हमारे यीशु मसीह की जीत हुई. Our Lord Jesus has won. तो आइए हम चिल्लाए उस भीड़ की तरह, जैसे वो उस दिन कह रही थी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ. हम चिल्लाए कि हमारे यीशु मसीह विजयी हुए. And that crowd that they were crying out that you crucified the Lord, but let us all cry out together that yes, our Lord Jesus Christ is the victorious God. हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए. Yes, truly our God has become victorious. क्योंकि वो विजयी हुए इसलिए आप उनको बताएं का जीवन जी रहे. Because he has become victorious, that is why we have a life full of everlasting joy. प्रभु यीशु मसीह को हम गर्व से कहें कि प्रभु वो क्रूस हमारा गर्व है. And let us all truly with pride in our hearts tell the Lord that yes, Lord, you went on the cross. That was a thing of pride for each one of us. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन का जो कुछ भी खत्म किया है उसके लिए हम प्रभु कबीर से धन्यवाद दें. And whatever Lord Jesus has finished in our life, whatever problems were there which is finished, let us all thank him today. और सबसे बढ़कर हर एक विश्वास की आत्मा के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का मार्ग खोल दिया. And the most important thing is for every believing heart, he has opened the doors of heaven. तो आइए हम गर्व के साथ करें कि थैंक यू जीसस, जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं. So with pride in our hearts, let's tell the Lord, thank you Jesus for everything you have done in our lives. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों पर अपना अनुग्रह और आशीष दे. मे द लॉर्ड एड